मेरे घर पे हमला हुआ, हमारे घर पर हमला हुआ था। वहाँ मेरे यानी मेरी बीवी मारी गई, मेरी बच्ची थी 2.5-3 साल की वो मारी गई, मेरी खाला थी वो मारी गई, मेरे खालू अब्बा थे वो मारे गए, और उनका बेटा था जवान, सबसे पहले उनको गोली मारी, इसकी वजह से वो हमारी खाला खेले भी मेरी भी मेरी गोली मार दो, उनसे कहा वो भरा। उनको हमने बुलाया इसलिए था पुलिस को कि भाई हमारी मदद करेगी, उसने मदद करने के बाद उल्टा हमें मारना शुरू कर दिया, हिंदू थे वो। हमने असल में हवाई फायर किया जब हमें पता लगा ना कि ये हमारे पे हमला हो जाएगा, तो हमने कहा भाई आ जाएगी पुलिस, पुलिस ने आते ही उल्टा हमारे हमें मारना शुरू कर दिया। हमला हुआ तो सारे वो नहीं, वो तो भाई उनके पास तो बंदूकें थी, ये थी वो थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास शुरू में एक रिवॉल्वर थी और एक क्या कहना चाहिए 12 बोर थी हमारे, वो हमने हम रोकने के लिए अपने आप को एक तरफ हमें नहीं यूँ बैठ गए थे कि भाई जो ऊपर से इधर वो हमला करेगा उसको हम करेंगे, दूसरी तरफ से हमारे दूसरी भाई उससे मारेंगे, लेकिन उन्होंने वो हमें नौबत ही नहीं आने दी हमारे मारने की, सूदी सारा हमें हमला करके हमें इससे मारा। और सुबह के वक्त जब मैं भी मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने उनसे कहा वो जो हिंदू थे वहाँ, मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी देखो, मैंने कहा एक गिलास पानी दो फिर मुझे मार देना, यानी मैं आई वॉज रेडी टू डाई फॉर ए 1 कप ऑफ वाटर। हम समझते पानी क्या चीज़ है, तो उस वक्त मैं ये चाहता था मैं मर तो जाऊँ लेकिन मुझे पानी पिला पी के मरूँ, मैं पानी बगैर पानी के ना मरूँ, ये देखें तो वो तो दिया नहीं किसी ने, लेकिन वो हमारे जो बराबर में एक वो थानेदार था तो हिंदू वो भी, बोले तो मशहूर भाग जाओ यहाँ से, मुझे भाग जाओ यहाँ से, यानी मैं तो मरने के लिए तैयार हो रहा था, मैं वहाँ से फिर भागा, और बाकी तो सारे मैं पड़े मरे पड़े पड़े, मैं वहाँ से भागा, भाग के जिससे भी हुआ बचता बचा था मैं, मेरे वालिद साहब पुलिस लाइन में थे, वो जिंदा थे अभी, मैं उनके पास चला गया और यूँ बच गया।